हेलो फ्रेंड्स, मैंने नाश्ता बना रही हूँ। ये मेरी कढ़ाई है, थोड़ी सी काली है क्योंकि बिकॉज मैं इसमें से फ्राई का काम करती हूँ। ये मैं मोटी जो सेवई होती है ना, मैं उसका नाश्ता बना रही हूँ। आप इसमें क्या करना है, मोटी सेवई को आप लेके पैकेट में, मैंने ये सेवई ली है, गिरेटी मैंने ये सेवई लिया है, ठीक है। इसको मैंने दो पैकेट फाड़ के मैंने इसको भूनने को रखा। पहले आप इसमें घी या हल्का सा कोई वेजिटेबल्स ऑयल डाल के इसको आप भून लीजिए। जब ये भून जाए, लाल हो जाए, फिर देखिए आपको इतना फ्राई करना है। ये देखिए इतना फ्राई करना है। ये फ्राई हो चुका है, ये देखिए लाल हो चुके हैं। अब हम इसको निकाल देंगे, ठीक है। ये देखिए मैं दोबारा से ऑयल डाल रही हूँ। ये मैंने ऑयल डाल दिया, ये मैंने मूंगफली का तेल यूज़ किया हुआ है। ये देखिए प्याज कट करके डाल दिए हैं। अब इसको हम फ्राई होने देंगे, लाल होने देंगे। हम इसको फ्राई कर रहे हैं, जब ये लाल हो जाएगा फिर इसके बाद हम इसमें मटर डालेंगे। ये आपकी जैसे वेज चाउमीन वैसे लगता है खाने में। ये फ्राई हो गया और हमने इसमें ये मटर डाल दी है। अब हम हल्का सा नमक डाल के मटर को पकने के लिए छोड़ दिए। हमारी मटर देखिए पक चुकी है। मटर को आप चाहिए तो इसमें एक मटर उठा के ऐसे तोड़ के देखिए, आपको पता चलेगा मटर में पक चुकी है। ये जो हमने भुना था अब हम इसके अंदर डालेंगे, ठीक है। अब हम इसके बाद चलाएँगे इस तरीके से। चलाने के बाद इसमें आप पानी डालेंगे क्योंकि पानी से ही हमारी सेवई होती है पकती है, फूलती है। जब आप सेवई बनाते हो आपको पता होगा पानी में सेवई कैसे फूल जाती है। और इसमें पानी डालेंगे, पानी डाल दें कटोरी के आसपास। हमने कटोरी के आसपास पानी डाल के इसको चला के हम इसको धीमा करके ढक के रख देंगे। ये पकेगी, जब वो पकेगी तो खुद ही पता चलेगा कलर में अंतर आता है। ये देखिए ऐसा लुक्स आ रहा है। इसे खोल के देखते हैं। ये देखिए देखिए क्या है। हम इसको चलाएँगे। अभी देखिए ये नहीं पका है, इसमें थोड़ा सा पानी और डालना पड़ेगा। अभी ये थोड़ा सा कम पका है, ये देखिए अभी कुछ भी कच्चा है। अभी थोड़ा सा और पानी डालेगा इसमें। ये हम जिसमें और पानी डाल दिए आधे कटोरी के आसपास और हम इसको दोबारा से चला देंगे। ये हम इसको चला दिया अच्छे से। ये देखिए अच्छे से चला दिया है और हम इसको फिर से ढक देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के आसपास इसको आप फिर से ढक दीजिए। चला दिया है, 5 मिनट के लिए ढक देते हैं। अब हम इसका ढक्कन खोलते हैं। ये देखिए लोग बनने के बाद लोग कैसा आता है। ये पक चुके हैं, ये देखिए ये पकते हैं ना तो उनका जो कड़ा बन होता है समय का वो हट जाता है, वो सॉफ्ट हो जाती है। ये देखिए ये पूरे तरीके से पक चुके हैं। ये देखिए उसको आराम से आप चाय के साथ खाइए, सर्व करिए। कैसा लगा खा के मुझे बताइएगा। इसको पकने में कम से कम आधे घंटे का समय लगता है।